जय शंकर जी, जय श्री राम सीताराम। किसी भी पूजा शुभ कार्य में उस स्थान पर मंगल स्वरूप रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उसके अगल बगल दो दो रेखाएं खड़ी रेखाएं बनाते हैं। कभी आपने सोचा है कि वो है क्या, क्यों आखिर हम दो दो खड़ी रेखाएं बना देते हैं स्वास्तिक के अगल बगल? स्वास्तिक के चिन्ह को मंगल का प्रतीक माना जाता है। मानता है कि स्वास्तिक चिन्ह बनाने से कार्य सफल होता है। स्वास्तिक शब्द को सु और अस्त से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है शुभ और अस्त का अर्थ होता है होना, अर्थात स्वास्तिक का मौलिक अर्थ है शुभ का या कल्याण का होना। शास्त्रों के अनुसार यह पवित्र स्वास्तिक चिन्ह भगवान श्री गणपति का स्वरूप है और दो दो रेखाएं उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि एवं पुत्र लाभ और क्षेम है। इस तरह से मंगल स्वरूप स्वास्तिक चिन्ह बनाकर हम पूरे गणपति परिवार का आवाहन उनकी आराधना कर लेते हैं। शास्त्रों में मानता है कि किसी भी शुभ कार्य में गणपति जी और उनके परिवार का स्मरण करने से कार्यों में निश्चय ही शुभ सफलता प्राप्त होती है। तो स्वास्तिक के इन दोनों भुजाओं को बनाते समय हमेशा विशेष ध्यान रखें कि इन्हें बनाते कैसे हैं। तो जब हम कभी भी स्वास्तिक बनाते हैं तो सबसे पहले प्लस का निशान बनाकर स्वास्तिक बना देते हैं, पर सही मायने में स्वास्तिक कुछ इस तरह बनता है। स्वास्तिक में जो हम पहली रेखा खींचते हैं तो ये रेखा धर्म की होती है, और फिर जब हम दूसरी रेखा बनाते हैं तो ये रेखा अर्थ की होती है, और फिर जब हम तीसरी रेखा बनाते हैं तो ये रेखा काम की होती है, फिर जब हम चौथी रेखा बनाते हैं तो ये रेखा मोक्ष की होती है, फिर हम ऊपर की यूँ रेखा बनाते हैं जिसका मतलब होता है सालोक्य, और इस तरीके से जब हम ये रेखा बनाते हैं तो इसका मतलब होता है सामीप, और फिर जब हम ये रेखा बनाते हैं तो इसका मतलब होता है सारूप्य, और फिर जब हम ये रेखा बनाते हैं जिसका मतलब होता है सायुज, फिर हम स्वास्तिक बनाते हैं। फिर स्वास्तिक में जो हम ये रेखाएं बनाते हैं तो उसका मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना की रेखाएं होती हैं। फिर हम स्वास्तिक बनाते हैं तो उसमें बिंदु रखते हैं, तो ये एक बिंदु श्रद्धा का होता है, एक बिंदु विश्वास का, एक ये प्रेम का और ये समर्पण का बिंदु होता है। अब हमारा स्वास्तिक बनकर तैयार हो जाता है। अब हम स्वास्तिक के अगल बगल दो रेखाएं बनाते हैं, तो ये रेखाएं गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि हैं, और ये दो रेखाएं गणेश जी के पुत्र लाभ और क्षेम हैं, जिन्हें बहुत लोग शुभ लाभ भी कहते हैं। लेकिन शिव पुराण और गणेश पुराण में गणेश जी के दो पुत्रों का नाम लाभ और क्षेम वर्णित किया गया है, इसलिए हम शुभ लाभ न कहकर इन्हें लाभ और क्षेम कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। हर हर महादेव।